एग्जाम्पल में आप मेरे को इतना बता दीजिएगा कि इसके कांस्टेंट क्या है। ए इक्वल टू है आपका 1, बी इक्वल टू है, आई नहीं है आयोटा है, आयोटा होता आपका रूट में -1 कॉम्प्लेक्स नंबर में, और सी इक्वल टू है -5। अच्छा मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप डी बता दीजिएगा, क्या पूछना हो आपसे, केवल डी। अब डी बताइएगा, डी होता है आपका बी स्क्वायर -4ac, क्या होता है -4ac। अच्छा आप इसको वैल्यू रखोगे तो बी की जगह हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर -4 1 क्रॉस -5। तो आयोटा स्क्वायर होती है आपकी -1, और ये माइनस माइनस प्लस 20 हो गए हैं, तो डी आया है आपका 19। डी आपका 19 आया है। हाँ जी, जब ए बी सी आपका, जब ए कोमा बी कोमा सी आपका क्या हो, कॉम्प्लेक्स नंबर हो, क्या नंबर हो, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको जेड से भी डिनोट करते हैं। हाँ जी, क्या हो, कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तो अब सुनिएगा इसके रूट क्या होते हैं श्रीधराचार्य से, ये होते हैं, बोलिएगा भाई, -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। तो यहाँ वैल्यू रख दीजिएगा, b की जगह आ जाएगा माइनस आयोटा प्लस माइनस √d, d की जगह 19 अपॉन 2। अच्छा इसके जो दो रूट आए हैं वो आपको पता है कौन कौन से हैं, एक है माइनस आयोटा प्लस √19/2, दूसरा है माइनस आयोटा माइनस √19/2। हाँ जी, क्या दोनों रूट रूट्स आर इमेजिनरी, क्या दोनों रूट इमेजिनरी है। हाँ जी, दोनों रूट इमेजिनरी है। अब आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ये बात नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नोट लगा लीजिएगा। अगर रूट इमेजिनरी है तो है ना, बोथ रूट लिख दीजिए, अगर रूट से लिख दिए है तो कोई दिक्कत नहीं है, बोथ रूट से ना, है ना। अब ध्यान से सुनिएगा बात को, इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूँ यहाँ, नेसेसरी है ना। नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन, नेसेसरी और सफिशियंट कंडीशन ये है कि आपका जो ए बी सी है, ए कोमा बी कोमा सी, वो रियल नंबर होने चाहिए, क्या होने चाहिए, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका ए बी सी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ तो आपका अक्स क्या आएगा, आपका अक्स आएगा, अक्स के जो रूट आएंगे वो इमेजिनरी रूट आएंगे, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर में देखो, यहाँ यहाँ आप डी को क्या बोल रहे हो, डी आपका क्या है, डी आपका ग्रेटर देन 0 है। हाँ, अगर ध्यान से सुनिएगा, ये ही डी ग्रेटर देन 0 होना जरूरी नहीं है, जरूरी तो वैसे तो जरूरी है आपका, लेकिन एक ही चीज डी ग्रेटर देन होना ही जरूरी नहीं है, इसके साथ ये चीज होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसके जो क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, आपका रियल रूट होने चाहिए। क्लियर है सारी बातें, वापस सुनिएगा, एक बार में ही देख रहे हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी, इसके कोफिशिएंट ये हैं, फिर हमने बोला है कि आप डी निकालिएगा, तो डी आपने निकाल दिया है, डी आपका है 19 जो 0 से बड़ा है, फिर हमने बोला है कि अक्स के रूट निकालिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालिएगा, तो आपने इस फॉर्मूले से, श्रीधराचार्य फॉर्मूले से दो रूट निकाल दिए हैं,
जिसको एक रूट अल्फा दे सकते हो, दूसरा रूट बीटा दे सकते हो,